चेंबूर पीएल लोखंडे मार्ग पर अब बारिश में पानी नहीं भरेगा, क्योंकि वार्ड 152 की कर्मठ नगर सेविका संगीता हंडोरे के प्रयास से यहाँ 60 साल पुराने ड्रेनेज लाइन को तोड़कर नया लाइन बनने जा रहा है, जिसका उद्घाटन महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और कांग्रेस कार्याध्यक्ष चंद्रकांत हंडोरे के हाथों किया गया। पीएल लोखंडे मार्ग के दूतरफा जो ओपन ड्रेने है वो बहुत ही खराब हुए थे और पूरा पीएल लोखंडे मार्ग का जो वेस्ट वाटर है वो उसमें से जाके सुभाष नगर नाले में छोड़ दिया जाता था, लेकिन उसके लाइन लेवल बराबर न होने के वजह से बारिश में पूरा पानी यहाँ पर जमा होता था और पूरा ये मुंबई का जितना भी क्रॉनिक स्पॉट है, फ्लडिंग स्पॉट जो है, ऐसा ये पीएल लोखंडे मार्ग का भी एक स्पॉट बन गया था। ये टेम्बे ब्रिज और ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे जो है, बारिश में उनका ऊपर का पूरा ब्रिज से दोनों रोड का पानी ये पीएल लोखंडे मार्ग के ऊपर आता था, क्योंकि ये स्लोप है यहाँ पर। तो संगीता हंडोरे नगर सेविका और उनके सारे साथियों ने बीएमसी में हर बार इसके बारे में आवाज़ उठाई थी और तब जाके ये मंजूर हो गया और इसका काम ऑलरेडी शुरू हो गया। पीएल लोखंडे मार्ग के दोनों बाजू में जो ड्रेनेज है उसका काम अभी शुरू हो रहा है। दूसरी बात यह है कि पीएल लोखंडे मार्ग के ऊपर लाखों लोग रहते हैं। 1962 में यहाँ से एक सुअर लाइन डाला था, ये जो हमारी बीएमसी के जो क्वार्टर्स है उनका जो वेस्ट वाटर है वो सुअर लाइन से मेन ड्रेनेज में कनेक्ट होना चाहिए, इसके लिए वो लाइन डाली थी। अभी उसको भी 1962 में जब बिल्डिंग बनी वो टाइम पे लाइन डाली थी। 1962 से लेके 2021 करीबन 60 साल हो गए, आबादी बहुत बढ़ गई, लेकिन वो जो लाइन आधा पौना फुट की जो है वो उतनी रह गई। तो इसके वजह से भी हम लोग ने सोचा कि अभी पीएल लोखंडे मार्ग में और पीवाई थोरात मार्ग में गवर्नमेंट की जो अलग अलग एसआरए की स्कीम है वो स्कीम इम्प्लीमेंट करने का काम अभी शुरू हो गया। पहला पीएल लोखंडे मार्ग का एक एसआरए का 16 माले का बिल्डिंग तैयार हो गया, हालांकि 20,000 घर पीएल लोखंडे मार्ग के ऊपर है, झोपड़पट्टी चाली वगैरह, तो नज़ीक के भविष्य काल में उसका भी एसआरए करना है। जब तक सुअर लाइन नहीं रहेगा तो एसआरए सैंक्शन नहीं होता है। तो यहाँ भविष्य में जो एसआरए के बहुत सारे प्रोजेक्ट होंगे उसके लिए भी सुअर लाइन की बहुत आवश्यकता है और यहाँ भी महानगर पालिका का जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर महानगर पालिका कर्मचारी सोसाइटी है उनकी भी करीबन 22 बिल्डिंग है और अभी ये सारी बिल्डिंग बहुत 62 में बांधी है। तो महानगर पालिका का प्लान है इसको तोड़ के यहाँ पर भी सारे टावर बनेंगे, तो कुल मिला के आबादी बहुत सारी बढ़ जाएंगी और बढ़ती आबादी को ये सुअर लाइन बहुत कम पड़ेगा, हालांकि अब टोटल ठप हो जाएगा। इसके लिए नगर सेवक मैडम ने यहाँ पर कोशिश करके ये सुअर लाइन भी मंजूर कर लिया। ये टेम्बे ब्रिज से लेके सुभाष नगर नाले तक करीबन 1.5 किलोमीटर की ये सुअर लाइन अलग अलग टप्पे में, जैसा कि 300 डायमीटर, 450 डायमीटर, 600 डायमीटर, ये साइज़ की जो लाइन है वो मंजूर की है और आज उसका यहाँ पर भूमि पूजन हो गया। कुल मिला के पीएल लोखंडे मार्ग का जो पानी का, ड्रेनेज का, वेस्ट वाटर का जो सवाल था अगले साल तक ये खत्म हो जाएगा, लेकिन ये करते समय हम लोग के सामने बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि पीएल लोखंडे मार्ग के रहवासी को और आगे गोंडी के तरफ जाने वाले लोगों को यहाँ एक ही रास्ता है पीएल लोखंडे मार्ग। दोनों बाजू के ड्रेन का काम अभी शुरू हो गया, ये तीसरा मेन होल का काम शुरू हो जाएगा तो यहाँ की यातायात ठप हो जाएगी। यहाँ की जो ट्रैफिक है अभी आज के दिन में देखिए अभी भी ट्रैफिक जाम है, तो ये तीनों काम एक साथ में शुरू हो जाने के बाद में यहाँ लोगों की भी दिक्कत हो सकती है, तो हमने उसके ऊपर भी मार्ग निकाला है। हमने महानगर पालिका को, ट्रैफिक वाले को
बताया है कि ये पीएल लोखंडे मार्ग पूरा बंद नहीं कर सकते हम लोग, अभी टू वे है तो एटलीस्ट वन वे कर सकते हैं इसको। तो जो अमरमाल जंक्शन से या घाटकोपर से आने वाले जो लोग हैं, ये टू व्हीलर हो, थ्री व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, या फिर पुलिस की गाड़ी, या इमरजेंसी के लिए एम्बुलेंस और रेशनिंग भरने के लिए जो अनाज की गाड़ी जो है, उतना ही गाड़ी को अलाउ करेंगे, वन वे करेंगे यहाँ से लेके नारायण गुरु सोसाइटी। और अभी बीच में हम लोग ने जनता नगर से ये पीवाई थोरात मार्ग है, उसका भी हम लोग यूज़ करने का प्लान कर रहे हैं। यहाँ से अभी दोनों वे यहाँ से निकलता है, लेकिन अगले ये काम शुरू होने के बाद में वन वे ट्रैफिक करेंगे, यहाँ से सीधा जाएंगे। और आते समय नारायण गुरु हाई स्कूल से सुभाष नगर नाले से लेके पीवाई थोरात मार्ग और ये शोभा होटल जहाँ शांताजोग मार्ग शुरू होता है, वहाँ से आने का ट्रैफिक हम लोग शुरू करेंगे। तो ऐसा हमने प्लान बताया है बीएमसी को, और उसके ऊपर भी ज़रूर वो कार्रवाई करेंगे। रहा सवाल यहाँ की, जो बहुत साल से यहाँ पर जो टू व्हीलर्स ऐसे भंगर के माफिक पड़े हैं, रिक्शा पड़ी है, बहुत सारे ये छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हैं, वो भी ये कार्यक्रम के अंतर्गत निकल जाएंगे। जो डिस्टर्बेंस है वो निकल जाएगा, और अगले साल तक मेरे ख्याल से पीएल लोखंडे मार्ग जो क्रॉनिक स्पॉट है फ्लडिंग का, वो शायद ख़त्म हो जाएगा और पीएल लोखंडे मार्ग के लोगों को रिलीफ मिलेगी। और लोगों को रिलीफ देने के लिए हम लोग बहुत साल से एफर्ट्स कर रहे हैं, लोगों की किस तरह की भी जो समस्या है उसको दूर करने का प्रयास हम लोग शुरू से करते आए हैं। नगर सेविका संगीता हंडोरे और यहाँ विभाग के सारे कार्यकर्ता, बीएमसी के लोग, ट्रैफिक के लोग, पुलिस, कलेक्टर, ये सारी यंत्रणा को हम लोग ने कोऑपरेट करके इनको यहाँ पर काम में लगाया है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिन में ये पीएल लोखंडे मार्ग, पीवाई थोरात मार्ग, ये बहुत ही अच्छा बनेगा। अभी आज के दिन में आप देखेंगे कि पीएल लोखंडे मार्ग की लेवल एकदम लो लेवल है, ये बारिश के टाइम पे पूरा फ्लडिंग होता है, दो फुट तीन फुट पानी रहता है लोखंडे मार्ग के। अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम होने के बाद में ये रोड की हाइट भी हम लोग बढ़ाएं के लेंगे रोड डिपार्टमेंट को यहाँ फिर से। मैं जब 1985 में नगर सेवक था तभी मैंने ये सीसी रोड मुंबई में पहली बार, सीसी रोड का जो प्लानिंग हो गया उसमें मैं पहली बार ये चेंबूर का पीएल लोखंडे मार्ग लेने के लिए बोला। और तभी से लेके आज तक 85 से लेके 35 साल हो गया ये पीएल लोखंडे मार्ग को। तो अभी इसको भी तोड़ के नया बनाने का सिलसिला शुरू हो जाएगा, वो भी हम लोग करके यहाँ के सारे लोगों की जो दिक्कतें हैं उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। कैमरामैन बबलू राउत के साथ संध्या श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र न्यूज़, मुंबई।